असलम एंड वी गोइं टू बी टोकिंग अबाउट दी इंफॉमेशन वेबसाइट कॉन्टेंट राइटिंग यानी कि मालूम के बारे में ऐसी कौन सी जो बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें मालूम देती हैं अब ये कहाँ से आती मालूम ओबियसली कुछ राइटर्स होते हैं जो कि लिखते हैं फ्री uh, लांस राइटर्स बहुत ज़्यादा इस इस मामले के लिए जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं जो वेबसा, जो वेबसाइट्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन हाउस ही रखें बहुत सारे लोग बिठाए रखें वो उसकी जगह प्रेफर करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे बाहर बैठे हैं उनको फ्री के तौर पर हायर किया जाए और वो कॉन्टेंट प्रोवाइड करें तो जब हम इंफॉर्मेशन वेबसाइट कॉन्टेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपका अगर अच्छा कंटेंट है ख़ास तौर पर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट जो है अगर वो अच्छा है तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स यानी कि आपसे दूसरों को वो एक एज देता है जब आप एक सही तरीके से मैसेज अपना डिलीवर करते हैं तो फिर जो पढ़ने वाला है और ख़ास तौर पे अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो जो कस्टमर है आपका इन्फॉर्मेशन लेने वाला बंदा जो है वो आप उसके दिलो दिमाग को जीत लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यों ज़रूरी होता है जैसे पाक व्हील्स है या ओ एल एक्स है ऐसी जो वेबसाइट्स है ये हैं तो बेचने वाली साइट्स मगर ये इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी देती हैं अगर ये गाड़ी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी तो uh, कोई ख़रीदेगा क्यों यू you नो know? तो वो ये इसीलिए इंफॉमेशन और सेलिंग और इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग का यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलेशनशिप बनता है और इस तरह का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है अ वेबसाइट दैट सीक्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अ विज़िटर इज़ बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आपके पास सारे जो मीडिया के आ, पोर्टल्स हैं जो आपको ख़बरें देते रहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है टेड एक्स है टेडेड है विकी हाव है विकीपीडिया है ब्रिटानिका है मतलब एक इतनी सारी वेबसाइट्स हैं नेशनल जोग्राफिक्स की भी है तो जब हम देते हैं कि जी ये वेबसाइट करती क्या है ये फैक्ट्स देती हैं इन्फॉर्मेशन देती हैं एक इंसान जो पढ़ रहा है उसके नॉलेज में और उसके अवेयरनेस में इजाफा करती हैं कंसाइस होती है ऑब्जेक्टिव होती है जो हमने पिछले कई सेशंस में सीखा है द डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन वही चीज़ जो है वेबसाइट के लिए भी इस्तेमाल में आती है तो आप जब हम इ, इन वेबसाइट्स के लिए, लिए लिखते हैं ज़रूरी है कि हम फैक्ट बेस्ड हों रिसर्च हमारी बहुत अच्छी हुई हुई हो और जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से दी जाए फ़र्क वेबसाइट के साथ ये है कि लैंग्वेज हैज़ टू बी कैजुअल ऑल द टाइम इट हैज टू बी हैज़ टू हैव अ slight एंटरटेनमेंट वैल्यू टू इट वरना लोग जो है वो बोर हो जाते हैं और पढ़ना मुश्किल होता है सो वी मेक इट कन्साइज खास तौर पर इंफॉर्मेशन इंटरटेनमेंट में तो हम फिर भी जरा लंबे लंबे जो है ना वो हम आ, चला लेते हैं कॉन्टेंट मगर जो इंफॉमेशन है वो कंसाइज होनी चाहिए क्योंकि जरा सी यू नो बॉडर लाइन और बींग बोरिंग तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल दे देंगे दे दे तो फिर लोग नहीं पढ़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो जो स्टे टाइम है आपके वेबसाइट पर वो कम हो जाएगा कैजुअल येट ऑब्जेक्टिव यानी कि जिस तरह मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि बड़े कैजुअल तरीके से आराम से आ, ऐसी ज़बान में जो आपको समझ आ रही है मगर मेरा इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरा ओपिनियन है या मेरा ये ख्याल है आप बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज और टोन इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है कि आप इमेजेस या वीडियोस या इंफोग्राफिक्स या कोई गिफ्ट हैं एनिमेशन हैं ये साथ, साथ ले कर चलें खासतौर पर इंफॉमेसन कॉन्टेंट के लिए बिकॉज जैसे पहले कहा इनफॉर्मेशन कॉन्टेंट थोड़ा सा बोरिंग होता है तो इसको एंटरटेनमेंट करने के लिए या लोगों की अटेंशन ग्रास करने के लिए या अपने पास रिटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन इन चीज़ों का साथ साथ ख्याल रखें ग्रामर स्पेलिंग जो आपने लिखा है वो समझ भी आ रही है कि नहीं या इतना ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड कर दिया कि सब के सर पर से उड़ रही है वो भी नहीं करना या इतना जेनेरिक भी नहीं करना कि सब कहें यार बता क्या रहे हो ये तो पहले से पता है तो जब हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं डज इट हैव गुड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स लिंक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंफॉमेशन के लिए आपने शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो मगर कुछ लोग ज़्यादा इन्फॉमेशन चाहते हो तो आप उनको एक लिंक दे दें कि जी इस लिंक पे जाएंगे आपको ज़्यादा इन्फॉमेशन मिल जाएगी ब्रिटानिका uh, का दे दें और जो आपके पास बहुत इन डेप्थ आर्टिकल्स होंगे ऑनलाइन जो पढ़े हुए हैं आर्टिकल्स हैं उन सब के आप लिंक्स और टैग्स दे सकते हैं जिधर से वो लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वैल्यू बहुत ज़रूरी है कि अगर क्या आपका जो कॉन्टेंट है वो कोई ठोस चीज़ बता रहा है कोई किसी और के नॉलेज में इजाफ़ा दे रहा है या नहीं दे रहा तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है हम अगर देखें बहुत पॉपुलर एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइजर तो हम देखते हैं कि जो ट्रिप एडवाइज़र है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इफ़ यू लुक एट द पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी सबसे पहले तो वो हमारी अटेंशन हुक करता है कहता है वॉन्ट टू सेव मनी ट्रिप एडवाइज़र कंपेयर्स प्राइस फ्राम टू हंड्रेड प्लस बुकिंग साइट्स टू हेल्प यू फाइंड द लोएस्ट प्राइस ऑन द राइट होटल फॉर यू तो अब जी अब हमने फ़ैसला कर लिया कि भाई अब हमने तो ट्रैवल करना है अब मुझे पता चलो बीच भी मुझे अच्छी लगती हैं तो बीचेस में कौन सी बीच के पास जाऊँ so okay, तो आई से ओके ये बहुत सारी हैं तो इसमें मैं कैनकून देखती हूँ तो जब मैं कैनकून जाती हूँ तो जो ट्रिप एडवाइज़र है वो मुझे ये सारे होटल्स दे देता है जहाँ पर जो सबसे कम प्राइसिंग में ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे मिल जाएगी अब अगर हम कहते हैं कि जी मुझे कैनकून के बारे में कुछ पता करना है तो मैं यहाँ पर जाती हूँ सेलेक्ट करती हूँ कैनकून टूरिज़म और यहाँ पर ना सिर्फ मुझे वो वाली इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि मुझे थोड़ी सी ये और इन्फॉर्मेशन देता है तस्वीरों के साथ कि जी कैनकून में आप कर क्या सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ट्रैवल गाइड्स भी हैं कि जी यहाँ आप जा सकते हैं प्लेसेस टू स्टे है अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर uh, करूँ तो एक छोटे से तरीके से उन्होंने बता दिया है कि कैनकून में मैं कर क्या सकती हूँ सो so, पूरी एक वेबसाइट में मैं जाती हूँ मुझे कैनकून का भी पता चलता है मुझे वहाँ पर जो होटल्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है जो मेरे पास uh, जहाँ मैं ठहर सकती हूँ जहाँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है सो एज एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर इज़ एक्चुअली वेरी होलसम एंड ये एक ओबियसली दुनिया की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही करें कि वन स्टॉप शॉप दे सकें कि अगर हम ट्रैवल की बात करें तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक जगह उनको दे सकें ताकि उनको और, और कहीं जाना ना पड़े हम अगर अब कोशिश करते हैं देखते हैं कि हम अगर अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो है लिखें तो हमने टॉपिक जो चूज़ किया वो है हाउ टू रिड्यूस वेट इन सेवन डेज अब हमने इसके बारे में इंफॉमेसन देनी है कि सात दिन में कैसे वज़न कम हो सकता है Uh, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हो सकता मगर हो सकता है तो जी हम कहते हैं कि जी हाउ टू रिड्यूस वेट इन सेवन डेज पहले ओपनिंग सेंटेंस दे देते तो हमने कहा कि जी लूजिंग वेट इज ए हाउस होल्ड प्रायोरिटी वी आर All looking for quick and easy ways to lose weight. We have a perfect solution for your. Weight problem seven days and guaranteed weight loss. Follow the plan below and say hello to a new you in just. सेवन डेज वो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने कई दफ़ा सेवन डेज़ को रिपीट किया है क्योंकि तो जो हमारा की मैसेज है वो विच सेट्स अस अपार्ट फ्राम एवरीबडी एल्स दैट इज़ कि जी हम सात दिन में आपका वेट लॉस करवा लेंगे और बड़े आसान तरीके से करवा लेंगे इसलिए तो कोशिश हमारी होती है कि जितनी जो हमारा यूएस है उसको हम एक आध दफ़ा रिपीट ज़रूर करें तो हम फिर ये कहते हैं स्टेप वन जी डे वन एट ओनली वेजिटेबल्स प्लस एट ग्लासेस ऑफ वाटर और इसी तरह हम जो है पूरा प्लान आगे बताते चले जाते हैं डे टू में आप खाली फल खाएँ डे थ्री में दोनों कम्बाइन कर दें बहुत सारे जो गिमिक्स हैं वो आप सारे ऐड करते रहते हैं मगर तो आप उनको एक इंफॉमेसन दे रहे हैं मगर एक अच्छे तरीके से कंसाइज तरीके से दे रहे हैं कि ये प्लान अगर फॉलो करते हैं तो उनका सात दिन में वेट लॉस हो जाएगा थैंक यू सो मच